Hi everyone, welcome to my channel Food by Priyanka. आज मैं बना रही हूँ beetroot and paneer काठी rolls. ये काफी healthy हैं and I'm sure आपको जरूर पसंद आएगा. सबसे पहले filling बना लेते हैं. एक pan में mustard oil गरम करेंगे, उसमें लंबी कटी हुई सब्जियाँ डालकर saute करेंगे कुछ minutes के लिए. मैंने लिए प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और टमाटर. सब्जियाँ saute करने के बाद इसमें नमक, मिर्च और धनिया पाउडर डालकर मिक्स कर देंगे और इसमें फिर पनीर डाल देंगे. आप पनीर पीसेस को छोटा छोटा भी कट कर सकते हो. मिक्स करेंगे सब कुछ और फिलिंग तैयार है. इसको साइड रख लेंगे. अब रोल्स के लिए चपाती का आटा लगाएंगे. एक बोल में लेंगे गेहूं का आटा, नमक और बीटरूट का प्यूरी. बीटरूट की प्यूरी के लिए कच्चे बीटरूट या चुकंदर को छोटा छोटा कट करके थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इसको गेहूं के आटे में डालकर एक स्मूथ आटा गूंथ लेंगे. अब थोड़ा सा आटा लेकर उसे सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और रोल कर देंगे. गरम तवे पर डालकर दोनों तरफ से सेक लेंगे पक जाने तक. अब काठी रोल असेंबल कर लेते हैं. बनाई हुई बीटरूट की रोटी लेंगे. थोड़ी देर एल्युमिनियम फॉइल में रख दी थी इसीलिए ऐसे हो गई है. मिंट कोरिएंडर चटनी स्प्रेड करेंगे अच्छे से और उसके ऊपर फिलिंग रख देंगे. फोल्ड करेंगे एंड एल्युमिनियम फॉइल से हाफ कवर कर देंगे सो दैट इजी टू हैंडल हो जाए. सर्व करेंगे इसे फॉर लंच, डिनर और पिकनिक. हाउएवर यू लाइक, एंजॉय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.